हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद रितिका। एंड आज मैं एक और ऑक्टोपैड की वीडियो लाई हूँ आपके साथ में, और हमारे साथ है एक ऑक्टोपैड के कलाकार। तो आज हम सीखेंगे ऑक्टोपैड की सेटिंग्स, कैसे पैचेस बनाते हैं, कैसे वॉल्यूम चेंज करेंगे और लेयर्स लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि जितने भी आपको पैच दिखाई दे रहे हैं, आठ, इन पूरे से एक किट बनता है। तो एक किट में, मतलब इस पैड में जो है 99 99 किट्स हैं, तो इतने ही पैचेस भी हैं। तो हर पैच के अंदर आप कौन सी आवाज डालना चाहोगे? जैसे कि अभी आपको इसमें टाइट स्नेयर दिख रहा है, तो टाइट स्नेयर की जगह में हमें यदि कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, जैसे आपको इसमें सॉलिड किक दिखाई दे रहा है, तो सॉलिड किक की जगह में आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं? ऐसे यहां पर आपको बोंगो दिखाई दे रहा है, तो हम ये जितने पैचेस हैं इनके अंदर आवाजें किस तरह से डालेंगे, इंस्ट्रूमेंट किस तरह से ऐड करेंगे, तो हम आपको ये बताने चाह रहे हैं। तो जैसे दोस्तों, अभी सॉलिड किक यहाँ है, अब हम ये सॉलिड किक यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड से बजाते हो, तो आपको लेफ्ट हैंड पे किक आनी चाहिए और परकसंस वगैरह इधर आने चाहिए। तो हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर आप सॉलिड किक कैसे ऐड करोगे, तो इसकी प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक किट में बना लोगे, तो एक किट में कोई पैच बना लोगे, तो उसके बाद सारा ही आसान हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किसी पर्टिकुलर किट या पर्टिकुलर पैच का वॉल्यूम कैसे अप और डाउन करना, या उनका पिच कैसे हाईर नीचे करनी है, और साथ ही आपको किसी में पर्टिकुलर किट में लेयर कैसे चढ़ानी है, ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि इसमें आपने किक कैसे डालना है, या किक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे डालना है, तो हमें आपको किक डालना बता रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपने सबसे पहले ये मेन्यू बटन पे जाना है, आप जा रहे हैं मेन्यू पे, इसके बाद आपने एंटर, यहाँ पर आपको दिख रहा है एंटर, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद आपने ये नॉब दिख रहा है, इसको घुमाना है, तो इसको घुमाते ही ये इंस्ट्रूमेंट बी आ गया, ऊपर इंस्ट्रूमेंट ए भी दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके बाद आप यहां जाओगे, यहां आपने एंटर मारा, तो ये ट्यूनिंग का, और आप ट्यूनिंग भी ऊपर नीचे कर सकते हो इसमें घुमा करके, और आप ये सारी सेटिंग्स इसके अंदर हैं। वॉल्यूम का यहाँ पर है किसी पर्टिकुलर। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान ही रखनी है कि जिस भी पैच पर मारोगे, जैसे मैं इस पैच पर मार रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम अप डाउन होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, आपको मेरी उंगली भी दिख रही होगी और ये भी दिख रहा होगा, तो ये वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं कि इस पैच का वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब टोन कलर इसमें आपको दिख रहा है, देखिए लेफ्ट बॉक्स बजेगा, और लेफ्ट बॉक्स में आवाज कैसी हो जाएगी आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये ट्रेबल टाइप का बढ़ गया, आवाज पतली होती गई, ये देखिए साउंड फैल सी गई है, जैसे कि इस तरह से पिच स्वीप का भी है इसमें। ऐसी बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो मैं ये बता हम ये रहे थे कि जिस भी किट पर आप, जिस भी पैच पर आप मार रहे होंगे, उसमें सेटिंग स्वतः ही चेंज हो जाएगी, और यदि हम इस पे चाह रहे हैं, तो हमें ये बताना पड़ेगा, तो इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसमें चेंजेस आना शुरू होगा। तो अभी हम यहां पर पहले बेस ला करके दिखाएंगे, तो बेस कैसा आएगा इसमें। अभी यहां से आपने देखा होगा बैक आने का बटन है, यहां से पहले हम बैक आ गए। अब हमने यहां मार के देखा, अभी यहां पर कास्टा नाम का इंस्ट्रूमेंट है, पीसीए कास्टा, हम इसकी जगह में बेस लाना चाह रहे हैं, तो हमें मेन्यू बटन दबा देना है। एक बार मेन्यू बटन दबाते ही पहला खाना इंस्ट्रूमेंट का आ रहा है, अब खुद ही हाईलाइट होकर आ रहा है। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद हमने इसी नॉब को घुमाया, और यहां पर एक लिस्ट आ गई है, आप देख रहे हैं इस वक्त ये कास्टा नेट पे है। हमें हमें इस पे बेस ढूंढना है, जहां पर बेस किक आएगी। अब इस ये बीच के बटन को घुमा करके हम लाएंगे, ये टाइट किक आपको दिख रहा है 001 टाइट किक। अब मैं यहां पर मारूंगा, तो टाइट किक हो चुकी है, ये देखिए इसमें मार करके टाइट किक आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब मुझे सपोज इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, हम चेक करेंगे इसका वॉल्यूम कितना है टाइट किक का, तो हमें क्या करना होगा, एक टाइट किक आ चुका है, हमें ओके दबाना है। हमने फाइनली ओके कर दिया इसको, इसके बाद हमने ये बटन दबाया बीच का, और इसको घुमा करके अगेन हम नीचे नीचे लेकर के आए, इस वाले से हम नीचे लेकर के आ रहे हैं इस वाले से, और हम वॉल्यूम बटन पे गए, लेकिन वॉल्यूम इसमें ऑलरेडी फुल है, तो
इसका मतलब इसमें वॉल्यूम फुल है, इससे ज्यादा वॉल्यूम होगा नहीं। आप चाहते हो इसका पिच वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब हम पिच चेंज ना करके अब हम बताएंगे यहाँ यदि हमें स्नेयर लाना है तो स्नेयर कैसे लेकर के आएंगे। हम बैक आए, हमने पहले यहां मारा, अभी इसमें सॉलिड किक है, यहां टाइट किक है, अब हम इसकी जगह में स्नेयर लेकर के आएंगे। स्नेयर कैसे लेकर के आए, ये देखिए, अभी हमने यहां मारा, यहाँ किक है, अगेन हम यहां गए इंस्ट्रूमेंट पे लाए, एंटर मारा, एंटर मारने के बाद हमने लेफ्ट हैंड वाला बटन घुमाया, ये राइट वाला घुमाया, और हम तब तक इसको घुमाते रहेंगे जब तक कि स्नेयर ना आ जाए। देखिए ये वुड स्नेयर आ चुका है, ये स्नेयर है, स्नेयर साउंड हो गई। अब इसके अलावा अब हमें इसमें भी चेंजेस करना है, इसकी आवाज तेज आ रही है, इसका वॉल्यूम हमें थोड़ा कम करना है क्योंकि इसका बेस के मुकाबले इसकी साउंड ज्यादा तेज है, तो हम इसकी वॉल्यूम को कम करेंगे। कैसे करेंगे, हमने बीच का बटन प्रेस किया और हम नीचे आएंगे इससे लेफ्ट वाले से, हम वॉल्यूम पे लाए, अभी ये 100 है, इसको हम कम कर देंगे। कैसे करेंगे, राइट वाले बटन को हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजिट चेंज हो रही है, 90 हो रहा है, फिर इसके बाद मारते भी रहेंगे यहाँ पर कितना है। अभी हम आपको दोनों दोनों का दोनों पैचेस का बताएंगे, इसकी इसका वॉल्यूम 100 है, इसका वॉल्यूम 70, अभी भी यहाँ तेज है, हमने और कम कर दिया, इसको लगभग आधा कर दिया हमने, अब ठीक है। ऐसे ही मैं जिस भी पैच पे मारूंगा उसका वॉल्यूम उसके बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है, जैसे इसका भी 100, इसका भी कम करना हो, यस ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बेस हो गया, यहाँ स्नेयर हो गया, हम चाहते हैं यहाँ पर कॉन्गो के जो आपके दो खाने दिखते हैं हम इनमें कॉन्गो लाना चाहते हैं, तो कैसे लेके आएंगे, अगेन हम बैक आए पहले, फिर जिसमें हमने चेंज लाना है उस किट पे हमने, उस पैच पे हमने मारना है, हमने इस वाले पे, यहाँ तो हम टाइट किक ला चुके हैं, हम यहाँ कॉन्गो या बोंगो लेकर के आएंगे। तो कैसे लेकर के आएंगे, आपने मेन्यू प्रेस करना है, यानी कि हर बार इंस्ट्रूमेंट पे आने के लिए आपने मेन्यू बटन दबाना है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है, और इस तरह से करके फिर आप देख रहे हैं सारी प्रोसेस, बीच वाले बटन से हमने कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट छांट रहे हैं और हमने यहाँ मार के देखा, ये आ गया बोंगो एच ओपन, ये बहुत बढ़िया साउंड है। अब हम चाह रहे हैं यहां पर भी बोंगो का ही कोई दूसरा साउंड वाला आए, तो देखिए हम चेंज करेंगे इसमें, इस वाले में बोंगो ओपन था, इस वाले में हम बोंगो का कोई और वैरायटी और छांटते हैं, ये ठीक है, बोंगो एच स्लैप ठीक है। तो आप दोनों साउंड का अंतर देख सकते हैं, क्योंकि यहां अलग इंस्ट्रूमेंट है, यहां अलग इंस्ट्रूमेंट है, इनमें भी आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज तो ये हो गई, दोस्तों अभी आपको इसमें टाइट किक दिख रही है, हम इसमें लेयर चढ़ाएंगे, लेयर चढ़ाने का मतलब होता है कि टाइट किक की आवाज तो आएगी आएगी, साथ में एक साउंड और आएगी, तो हम इसमें कोई परकसन ऐड कर देते हैं, तो जब हम इसमें मारेंगे तो साथ में परकसन की आवाज आएगी। तो उसका प्रोसेस इस तरह से है कि अगेन आप कहाँ जाएंगे, आप मेन्यू पर जाएंगे, मेन्यू पर जाकर के आपने फिर एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद आपने लेयर टाइप पे लाना है, इसे ऑफ है, इसको ऑन कर दीजिए, मिक्स पे आया आप, और इसके बाद आप देखिए ये आ चुकी है, लेकिन इससे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट छांटना होगा ये वाला। अब इसको कैसे छांटना है, अगर सपोज मुझे इसकी जगह में चेंज करना है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए किक के साथ, अब ये ब्रश राइड बो करके है, हमने कोई ये देखो आप ब्रश राइड बो दिखाई दे रहा होगा आपको, कुछ और करेंगे इसमें, ये ब्रश राइड बेल आ चुकी है, देखिए आपको आवाज में चेंज महसूस हो रहा होगा, ये तो ये इसके अंदर लेयर आ चुकी है। अब अगर आप पर्टिकुलर चाह रहे हैं कि किक की आवाज कम हो जाए और दूसरी लेयर जो है उसकी आवाज तेज हो जाए, तो अगेन आप यहां से कर सकते हैं, हमने ओके दबाया, हम चाह रहे हैं कि एक लेयर की आवाज कम हो जाए, तो ये कम कैसे करेंगे, हमने यहां गए और वॉल्यूम पे गए, वॉल्यूम से हमने अब हम कम कर सकते हैं,
आप देख रहे हैं कि जो किक की आवाज थी वो कम हो गई और दूसरी वाली तेज हो गई। एक्चुअल में दूसरी तेज नहीं हुई है, किक कम हो गई। इस तरह से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, हमने आपको बताया कि इसमें आप किस तरह से किट के अंदर के पैचेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपकी कोई और क्वेरी भी होगी, कोई और कोई खास एडिटिंग आप सीखना चाहेंगे तो आप बेहिचक पूछिएगा और इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।